हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी यहाँ पे पावर ग्रिड की तरफ से बम्पर भर्ती का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और इसको यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ। इसी बात पे मेरे भाई एक लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब बात कीजिए यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। अगर आप फ्रेशर हैं आप एलिजिबल हैं और ये आपका सरकारी नौकरी देखने को मिलेगा, परमानेंट जॉब यहाँ पे आपका रहने वाला है। एंड यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। अब डायरेक्टली बात करते हैं मेन मुद्दे के बारे में कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, कौन कौन सा पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लगभग सारी ब्रांच आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका सैलरी रहेगा वो आपका 15 लाख रुपए एनुअल CTC आपको देखने को मिलेगा। सालाना 15 लाख रुपए आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे बात की जाए कि इसको अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना पड़ेगा। और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको अप्लाई करके दिखा दूंगा। वीडियो के लाइक का जो टारगेट हमने रखा है वो आपका 1200 प्लस का टारगेट आपको कंप्लीट करवाना है। अपने दोस्तों के अंदर भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वीडियो उन सभी लोगों तक पहुँच सके जो यहाँ पर एलिजिबल है। और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता दीजिएगा कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं, ताकि मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो के अंदर वही अपडेट भी प्रोवाइड करवा दूंगा जो आपने मुझको कमेंट बॉक्स में बता रखा है। और अगर आप उससे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं कॉल पे या मैसेज पे, तो मैंने आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है कनेक्ट विथ मी का। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये टैब ओपन हो जाता है। और जैसा कि यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म के लिंक दे रखे हैं, जैसे कि अगर आप लिंक्डइन पे मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके लिंक्डइन को ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं अगर आप यहाँ पे टेलीग्राम पे मुझसे बात करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके मुझसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा है, इंस्टाग्राम का दे रखा है, फेसबुक का दे रखा है, फेसबुक ग्रुप का दे रखा है। एंड यहाँ पे मैंने बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो आप जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं उस पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और ये जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी पावर ग्रिड की तरफ से, मतलब कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL की तरफ से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस आपको देखने को मिलता है। और एक PSU आपको देखने को मिलता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट। साथ ही साथ यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का यहाँ पे नंबर जारी कर दिया और यहाँ पे नोटिफिकेशन का डेट मेंशन कर रखा है। और ये यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है बिल्कुल फ्रेशर के लिए, किसी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। और यहाँ पे इंजीनियर ट्रेनिंग का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा, सैलरी बहुत बढ़िया रहेगी, परमानेंट जॉब रहेगा, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांचेज जो एलिजिबल रहेगी, इलेक्ट्रिकल ब्रांच एलिजिबल है और इलेक्ट्रिकल से रिलेवेंट किसी भी ब्रांच में आपने इंजीनियरिंग कर रखा है इसको अप्लाई कर सकते हैं। वही इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है, सिविल एलिजिबल है, कंप्यूटर साइंस यहाँ पर एलिजिबल रहेगी। ऊपर ऊपर कंपनी का ब्यौरा दे रखा है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ बात की जाए यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसे कि यहाँ पे जो आपका एज लिमिट रहेगा वो आपका 28 साल एज लिमिट आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे इन्होंने डेट भी मैंशन कर दी है 31 दिसंबर 2023 तक। अगर आप 28 साल के हो जाते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो एज रहेगा UR कैंडिडेट के लिए रखा गया है और यहाँ पे EWS कैंडिडेट के लिए आपको एज देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाते हैं, 3 साल का मिलता है यहाँ पे OBC कैंडिडेट को, 5 साल का मिलता है यहाँ पे SC ST कैंडिडेट को, तो ये आपको रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपका जो डिसिप्लिन है, अगर आपने BBTech कर रखा है, BSc कर रखा है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के अंदर ये सारी ब्रांच एलिजिबल रहेगी, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल पावर में कर रखा है या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा है, पावर सिस्टम में कर रखा है या फिर पावर इंजीनियरिंग कर रखा है इलेक्ट्रिकल में, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये सारी ब्रांचेज एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन एलिजिबल है। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर आपने टेलीकम्युनिकेशन में BBTech या BSc कर रखा है अप्लाई कर सकते हैं। सिविल के अंदर सिविल एलिजिबल रहेगी, कंप्यूटर साइंस के अंदर आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस एलिजिबल है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एलिजिबल है, IT ब्रांच एलिजिबल
रहेगी। एंड यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका 60% का क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए, 60% आपके बीटेक में होने चाहिए एग्रीगेट, ठीक है। एंड बात की जाए कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि आपका जो फाइनल सेमेस्टर वाले स्टूडेंट है वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। और इसके बारे में कैटेगरी के बारे में पोस्ट के बारे में बता रखा है, तो अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बता दिया था। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन रहेगा वो आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा गेट 2024 के स्कोर कार्ड के बेस पे आपका मेरिट बनेगा, और मेरिट बनने के बाद आपका जीडी होगा और पीआई होगा, ठीक है। अगर आपका मेरिट में नाम आता है तो आपका जीडी होगा, ग्रुप डिस्कशन और आपका पर्सनल इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा। फाइनली आपका डीवी होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग आपको देखने को मिल जाता है, और एक बहुत बढ़िया सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। आपका जो पेपर कोड है वो आपका इलेक्ट्रिकल का डबल ई होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का ईसी होना चाहिए, सिविल का यहाँ पे सी होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस का आपका सीएस होना चाहिए, पेपर कोड आपका मैच होना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल रहेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपका कैटेगरी वाइज इन्होंने मेंशन कर रखा है इंटरव्यू के लिए, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपका गेट 2024 का जो स्कोर कार्ड है उसका 85% ऐड होगा, जो आपका जीडी होगा उसका 3% होगा, पीआई का 12% होगा। टोटल यहाँ पे इन्होंने मार्किंग कर रखी है 100% के हिसाब से आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे जो ये पैकेज प्रोवाइड करवाते हैं वो आपका सैलरी रहता है यहाँ पे 50,000 रुपये से लेके 1,60,000 रुपये पर मंथ का सैलरी आपको देखने को मिलता है, 3% सैलरी हाइक आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। एंड यहाँ पे आपको सर्विस बॉन्ड भी साइन करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा 5,00,000 रुपये का, और अगर आप एसएसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा यहाँ पे 2,50,000 रुपये का। मतलब कि यहाँ पे अगर आप एटलीस्ट 3 साल की सर्विस प्रोवाइड करवा देते हैं और उसके बाद आप जॉब को स्विच करते हैं तो आपको पैसा पे नहीं करना, और 3 साल से पहले अगर आप जॉब को स्विच कर लेते हैं तो आपको ये 5,00,000 रुपये कैटेगरी वाइज पैसा पे करना पड़ेगा कंपनी को। इस चीज़ का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे इन्होंने और भी कुछ दे रखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है पावर ग्रिड का ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो इन्होंने डेट को मेंशन कर रखा है 16 जनवरी 2024 से स्टार्ट होगा और 18 फरवरी 2024 तक इसका यहाँ पे चलेगा। तो 1 महीने का टाइम आपको मिलेगा उस बीच के अंदर, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले आपका गेट का अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो मेरे भाई फॉर्म को फिल कर देना, क्योंकि उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाता है। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, कुछ पूछना है, तो आप मुझको पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे रखा है। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।